में संभल की गुरनौर तहसील क्षेत्र में 3 और 6 माह पूर्व हुई लूट की घटनाओं का पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने किया खुलासा। एक वांछित को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुरनौर पुलिस क्षेत्र अधिकारी के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद संभल की गुरनौर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जब गुरनौर कोतवाली पुलिस ने 3 और 6 माह पूर्व हुई लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी गुरनौर कृष्णकांत सरोज ने बताया कि गुरनौर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मेवाड़ा मंदिर के पास एक अपराधी बैठा हुआ है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा तो जुनावाई चौकी क्षेत्र में बैंक बीसी से 3 माह पूर्व हुई लूट तथा 6 माह पूर्व हुई लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर अपराधी ओमकार को गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध 20 गंभीर मामले दर्ज हैं। हमारे यहाँ 3 महीने पहले और 1-6 महीने पहले एक लूट हुई थी, जिसमें काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। ये ओमकार काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। अपराधियों के वर्ग और वांछितों की गिरफ्तारी के अभियान में कप्तान सब पर अभियान चला जा रहा था। इस अभियान में सूचना इंटरव्यू द्वारा मिली किया रेवाड़ा मंदिर के पास ओमकार बैठा हुआ है, जिस समय से पुलिस पहुँचा किसे पकड़ सकती है, इसको तस्दीक करते हुए पुलिस मौके पर गई तो वहाँ मिल गया और पूछताछ मिल गया। उसे पूछताछ की उसने इस बात को स्वीकार की कि मैंने जो कुछ जुनावी में लूट किया था, जो बैंक है डीसी द्वारा उसके द्वारा जो लूट की तो मेरे द्वारा की गई थी और उसके पहले भी एक लूट मैंने किया था, वो भी उसने पूरी जाकर के मौके पर दिखाया और वो उसने अपनी निशानदेही पर पैसे बरामद कराए और लूट में जो प्रयुक्त की गई मोबाइल और जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद है और लूट जो उसने असलाह प्रयोग किया था उसके घर में था, उसके घर से बरामद हुआ है। इसे और पूछताछ कराई से बताया कि हमारे 2 और साथी हैं और वो साथी हमारे जरिफ नगर थाने के हैं और उसने आगे ये भी अपने बयान में बताया कि श्रीपाल जो कि सिमरई का रहने वाला है, इसी ने रेकी किया था जुनावाई की, जुनावाई बैंक के पास जो बीसी आता है इसने रेकी किया था और श्रीपाल ने उसको कादराबाद शराब के ठेके पर बुला के बताया था कि एक बीसी है पतरिया का, वो आता है बैंक पर और सर संडे को छोड़कर से हर दिन पैसा लेके जाता है। इस आधार पर लोगों ने 4-5 दिन उसकी रेकी की। रेकी करने के बाद श्रीपाल ने उसे पहचाना था और जुनावी बैंक के पास लगे, जैसे वो हमारा बीसी बैंक का बीसी पैसा लेके निकला, उसे जुनावी पतरिया रोड पर उसकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगा करके उन्होंने उससे रुपए छीन लिए। उसके सीने पर हुई है ओमकार से जब पूछताछ किया गया, ओमकार ने बताया कि उसके उससे बाइक मैंने ही छीना था, जिस बाइक में पैसा था, पैसा मैंने उसके सीने पर ये कट्टा लगा के छीना था, वो कट्टा ही बरामद किया, बैग भी बरामद किया और पैसा भी बरामद करवाया। जो साथी है उसमें वो फरार चल रहे हैं। इनके अन्य साथियों पर भी कई और मुकदमे लूट और मर्डर के मुकदमे हैं। ये जो फरार है श्रीपाल और चौधरी उर्फ किशोर, इन दोनों के पर ओमकार पर कुल 16 मुकदमे हैं, 21 मुकदमे हैं। श्रीपाल पर कुल लूट डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के कुल 12 मुकदमे हैं और चौधरी पर कुल 4 मुकदमे हैं। यह जो श्रीपाल है इनका मेन हमारा मुखिया है, जो नए नए लड़कों को अपने गैंग में शामिल करके ये काम करवाता है। श्रीपाल अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है, उसके लिए अभी उसकी पता रसी की जा रही है, जैसे भी उसके बारे में और जानकारी हो जाएगी उसको गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर किया जाएगा। हाँ, इसको जेल भेजा जाएगा, जो अभी ओम का पकड़ा गया है इसको जेल भेजा जा रहा है।